नमस्कार सभी मित्रों को। राणा कुमार की तरफ से आज के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप लोगों के बीच एक ऐसे अध्यापक से मिलवाने जा रहा हूँ जो वर्तमान समय में भी हमारे परंपरागत गुरु शिष्य की संबंध को उच्च कोटि पर उच्च श्रेणी में पहुंचाने में अहम योगदान रखे हैं। हमारे बीच राजकीय कृत मध्य विद्यालय दौलतपुर नवटोलिया खुदावंदपुर से चलकर आए हैं मोहम्मद अब्दुल्ला जी। मैं दो लाइन में इनका परिचय करवाता हूं। ये पूरे बेगूसराय के गिने चुने शिक्षकों में से ही एक हैं जिन्होंने एक बांस के पेड़ के नीचे से 13 बच्चों के बीच विद्यालय की शुरुआत 2006 में किया था और अभी वह विशाल भवन में स्थित स्कूल है। हमारे आज के अतिथि हैं मोहम्मद अब्दुल्ला जी। इनके साक्षात्कार को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय और Facebook पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब्दुल्ला जी, आपको हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। अब्दुल्ला जी, बेगूसराय के वर्तमान परिदृश्य को जब देखा जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि बेगूसराय के कुछ सरकारी स्कूल में मॉडल स्कूल जो है उस मॉडल स्कूल में एक आपका भी स्थान है। हम वहाँ से शुरू करेंगे फिर आपके जीवनी पर आएंगे। सबसे पहले तो मैं आज का ये क्षण जो है ये मौका उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर रोशन कुमार जी जो जाने माने चिकित्सक हैं बेगूसराय के और केवी स्टूडियो दोनों का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक मंच दिया मुझे, हम जैसे बहुत सारे लोगों को जो बेगूसराय का स्टार्स हैं उनको उन्होंने मंच दिया और उनको जो है वो लोगों के बीच लाने का काम किया। क्योंकि उनका यह काम सराहनीय इसलिए है कि इससे और लोग प्रोत्साहित होंगे और वह काम के प्रति लगन उनमें जागेगी और फिर वह काम को आगे की ओर ले चलेंगे। इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया, बेगूसराय के उभरते लोगों को सामने लाने का प्रयास जो उनका है काफी सराहनीय है। हम जानना चाह रहे हैं कि बेगूसराय के सरकारी स्कूल में आपका स्कूल भी एक रोल मॉडल के रूप में है, आपने उसमें क्या मंत्र डाला ये हमारे दर्शकों को बताएं। बस मेरा एक ही प्रयास है कि वह ईमानदारी के साथ कोई भी कार्य अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे उसमें सफलता मिलेगी। तो मैंने जो सरकार के नियम हैं उसके अनुसार ही पूरी ईमानदारी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए वहाँ काम को ईमानदारी से किया है और बच्चों के बीच लगातार उनके अनुसार ही काम करने का मैंने प्रयास किया है। यह कारण ही है कि आज मैं बेहतर स्कूल चलाने में सफल हो पा रहा हूँ। अब्दुल्ला जी, कुछ लोगों का बचपन से ही एक ध्येय हो जाता है कि मैं आगे जाकर ये काम करूँगा। बचपन से ही आपने क्या सोच लिया था कि शिक्षक पेशा में ही जाना है? नहीं, परिवार का एक ऐसा माहौल था हमारे यहाँ कि वहाँ लोग डॉक्टर इंजीनियर या ऑफिसर्स देखना चाहते थे। परिवार में शिक्षकों की भी कमी नहीं थी लेकिन जो न्यू जनरेशन को वह इस रूप में देखना चाहते थे। हमारे परिवार के लोगों ने भी हमें उसी प्रकार शिक्षा दिलाने का प्रयास किया लेकिन जब मैंने देखा कि शिक्षक की जो भूमिका है बस समाज निर्माता राष्ट्र निर्माता के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर या ऑफिसर्स बनाने की यह फैक्ट्री है। शिक्षक जो होते हैं वह बच्चों को गढ़ते हैं, उन्हें एक नया स्वरूप देते हैं,
फिर मेरे मन में शिक्षक बनने की बात आई कि क्यों नहीं, जहां से सभी लोग बनते हैं मैं वैसा बनूं, डॉक्टर इंजीनियर या फिर जो है ऑफिसर्स बन के एक फैकल्टी पे ही निर्धारित हो जाना था। लेकिन शिक्षक बनने के बाद डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर सभी वहां से बनते हैं। कि सरकारी शिक्षक जो होते हैं वो बदनाम होते हैं, कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। और अक्सर हम देखते हैं जब अपने ज़िला में भ्रमण करते हैं तो गिने चुने विद्यालय हैं हमारे बेगूसराय में, जहाँ के सरकारी शिक्षक भी निजी विद्यालय को टक्कर ही नहीं दे रहे हैं, उस विद्यालय को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ के शिक्षक समय पर तो आते हैं, समय पर तो जाते हैं, लेकिन उस विद्यालय का विकास नहीं होता है। इसमें मेरा मानना है कि कुछ बीच के दिनों में जी पिछले एक दशक पूर्व कुछ गिरावट आई थी सरकारी शिक्षा में, लेकिन जब लोगों ने इस पर ध्यान देना, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने ध्यान देना शुरू किया जी, तो निश्चित तौर पे सरकारी शिक्षकों ने ही सरकारी विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास शुरू किया है। और उस प्रयास में आपके इस जिले के दर्जनों विद्यालय बेहतर विद्यालय का स्वरूप धारण कर चुके हैं, और फिर उनको देखकर दूसरे विद्यालय भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं और बेहतर बन रहे हैं। अब्दुल्ला जी, हमारे दर्शकों को आप स्वयं बताएं कि उस विद्यालय कि नींव आपने कैसे रखी थी और क्या एक संघर्ष की गाथा है। देखा जाए तो वह विद्यालय वहां था ही नहीं विद्यालय, वहां राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार की जब बात चल रही थी उस जमाने में यह बात सामने आई थी कि जो भी विद्यालय से टोला जो है 1 किलोमीटर से अधिक दूर होगा वहां नए विद्यालय खोलने की एक सरकार की योजना थी। वैसी ही योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर नपटलिया खुदावंतपुर भी स्थापित हुआ जी, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 2006 को की गई। 1 दिसंबर 2006 को जब मुझे वहां भेजा गया तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि यहाँ तो कोई विद्यालय है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये तो यहाँ सभी बच्चे खेल रहे हैं। मैंने लोगों से बात की, मैंने जानना चाहा, लोगों ने बताया कि यहाँ तो कोई विद्यालय नहीं है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर विद्यालय है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ से बात की वहाँ के प्राचार्य से, तो तत्कालीन प्राचार्य ने मुझे बताया कि वहाँ नए विद्यालय की स्थापना की गई है, आप तब तक यहाँ योगदान कर लें और फिर जब आपका विद्यालय वहाँ बनेगा तो आप वहाँ जाएंगे। तो मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे कहा कि जहाँ मुझे भेजा गया है वहाँ तो विद्यालय है ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपको जो भी बात करनी है आप आइए और हम लोग उस पर बैठ के बात करते हैं, आपको वहीं योगदान करना है। मैंने कहा कि फिर विद्यालय है ही नहीं। तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम लेने योग्य है, इनका नाम मिस्टर अनिल कुमार था जी। उन्होंने कहा कि मिस्टर अब्दुल्ला, मैंने आपको वहाँ इसलिए भेजा है कि वहाँ पत्थर भी आपको काटना है, ट्रैक भी आपको बिछाना है और उस पर रेल भी आपको दौड़ाना है। मैं इसलिए आपका चयन मैंने वहाँ के लिए किया है और आपको वहीं योगदान करना है और आज से आप उसको अपनी कर्म भूमि बना लें और मुझे वहां से सफलता की गारंटी दें या शपथ लें आज कि आज के बाद वहां के बच्चे दूसरे विद्यालय की तरफ रुख नहीं करेंगे और सभी बच्चे विद्यालय में होंगे। मैंने बोझिल मन के साथ वहां से जब लौटा, रात को मैं सोया, आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने यह संकल्प लिया कि कल से मैं पूर्णता शिक्षक बनकर के अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जाऊंगा और इसे एक आइडियल विद्यालय का रूप दूंगा। मेरी इसी धारणा ने उस विद्यालय को यहां तक लाने में सफलता दिलाई। अब्दुल्ला जी, आपका जो वह स्कूल है हमारे जिला मुख्यालय से
लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और ऐसा लगता है कि आपका जहाँ स्कूल है वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूरी के बाद हमारा बेगूसराय जिला खत्म हो जाता है। जी, सही, बिल्कुल। अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा नहीं, अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। जी, हर दृष्टिकोण से देखा जाए निश्चित रूप से वहाँ पर साक्षरता का जो रेट होता है वो भी बहुत कम होगा। बिल्कुल। वहाँ के अभिभावक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग जो भी होंगे वो खेती बाड़ी मजदूरी में अधिक ध्यान देते होंगे, शिक्षा पर कम ध्यान देते होंगे। आपको इस रूप में विद्यालय के साथ साथ बच्चे को लाने में, जैसा कि अभी आपके विद्यालय में लगभग 400 बच्चे हैं, कठिनाइयां आई होगी? निश्चित तौर पे। सबसे पहले इसके लिए मैंने वहाँ जो भी कुछ किया उस प्रयास में, पहला प्रयास मेरा यह था कि अभिभावकों के बीच शिक्षा के महत्व की जानकारी देना, क्योंकि किसी भी, अभी जो भी लोग हैं वह किसी भी लाभ को जब तक नहीं जानते हैं तब तक उस कार्य को करने के प्रति आकर्षित नहीं होते, प्रेरित नहीं होते जी। जब तक कि उसमें उन्हें यह पता नहीं चले कि इससे हमें कुछ न कुछ लाभ होगा, तब तक उस पोषक क्षेत्र के जो अभिभावक थे वह अपने बच्चों से खेतों में काम करवाना ही लाभ समझते थे। वह समझते थे कि हमारे बच्चे अगर खेतों में काम करके कुछ धन या कुछ अनाज का उपार्जन कर लेते हैं तो यह मेरे लिए लाभ है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं, अगर इनके अंदर, इन बच्चों के अंदर शिक्षा आ जाए तो निश्चित तौर पे वह बच्चे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, वह देश के एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं, तो फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के प्रति ध्यान दिया। कल तक जब मैं वहां गया था योगदान करने, उस समय तक वहां मात्र 2 लोग साक्षर थे पूरे पोषक क्षेत्र में। आज जो निरक्षर अभिभावक थे वह भी हम लोगों के प्रयास से साक्षर हो चुके हैं, और वहां के 100% बच्चे अभी विद्यालय में हैं, और सभी बच्चों के को विद्यालय में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो को दिया, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दर्शकों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि केवी स्टूडियो बेगूसराय के जो सुदूर देहाती इलाकों में या बेगूसराय के जो जौहर हैं उन्हें तराशने का यह काम कर रहा है, उन्हें लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहा है, जो सराहनीय कदम है। और इससे जो लोगों को संदेश जाएगा वह इससे सीखेंगे भी और खुद को बेहतर बनने का प्रयास भी कुछ करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग जो है वो सबों को नहीं जान पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हर एक दूसरे को लोग जानने लगेंगे, लोगों को बेगूसराय जिला के, शहर के लोगों को क्या पता कि शहर से 40 किलोमीटर दूर सुदूर देहाती क्षेत्र में भी एक बेहतर स्कूल संचालित होता है। लेकिन आज के भी स्टूडियो ने अपने माध्यम से इस बात को पूरे जिले पर में रखने का प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि यह सराहनीय कदम है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप हमारे केवी स्टूडियो को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम अपने तमाम केवी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।